अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर आ रही दोस्तों, वो खबर आ रही है जबर ब्रिज को लेकर। तो दोस्तों, जो कुवैत में जो जबर अल ब्रिज है, वो दोस्तों ब्रिज को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों, बंद किसे किया गया है? जो साइकिलिंग जो वहां पे करते थे, जो पैदल वहां पे चलते थे, ज्यादा इसके वजह से वहां दोस्तों भीड़भाड़ होती थी, इसके वजह से बंद किया गया है। और एक वजह और है कि दोस्तों, वहां पे कुछ दिन पहले ही एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने जबर ब्रिज में जाके दोस्तों वो सुसाइड कर ली थी, इसी के वजह से वहां पे ये बंद किया गया। बंद करने का मेन रीजन दोस्तों ये था कि वहां पे साइकिलिंग के कारण और लोग जो ज्यादा चलते थे उसके कारण वहां जबर अल ब्रिज में भीड़ ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट काफी ज्यादा बढ़ गया था। और सुसाइड का दोस्तों मामला कुछ दिन पहले ही आया था, जो ऑस्ट्रेलियन महिला ने वहां से जबर अल ब्रिज से कूद कर वो जान दे दी थी। इसके वजह से दोस्तों वहां पे साइकिलिंग करना या फिर पैदल चलना बेवजह वहां पे बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों, बैन तो फिलहाल अभी कर दिया गया, पर कब इसे खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा इस पे कोई अपडेट अभी नहीं आई है। पर फिलहाल अभी वहां पे साइकिलिंग और वॉकिंग करना फिलहाल अभी बैन है। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है, साथियों आपको पता होगा कि कल है तीन अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर से दोस्तों आपको पता है कि वहां पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस वगैरह खुलने वाले हैं, जिसके बारे में पूरी डिटेल में पिछले वीडियो आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, स्कूल को खुलने के वजह से वहां पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी वहां पे बड़े ट्रक या लॉरी जो सामान वगैरह को लेकर आते हैं, उसकी टाइमिंग को चेंज कर दिया गया। वो लोग अब स्कूल के टाइमिंग में मेन सिटी होके वो नहीं गुजर सकते, उसे बाईपास होके ही जाना पड़ेगा। तो जिसके पास भी लॉरी या फिर कोई भी बड़ी गाड़ियां हो जिसके वजह से वहां पे ट्रैफिक जाम होगा, उसके लिए उन लोगों को अब बैन कर दिया गया है। दोस्तों, स्कूल की जो टाइमिंग होगी 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक बड़ी गाड़ियों को मेन सिटी में एंट्री करने की इजाजत नहीं है, और 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उन लोगों को वहां पे मेन सिटी में आने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, ये टाइमिंग में यदि सभी बड़ी गाड़ियों को वहां पे बैन लगा दिया गया, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग होगी, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होगा, जिसके वजह से बड़ी गाड़ियों की वजह से और भी ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा। तो दोस्तों, ये जो बैन किया गया, ये 1st रिंग रोड से लेकर 6th रिंग रोड तक ये रास्ता जो है वो बंद रहेगा मेन सिटी में। बाकी दोस्तों, बहुत सारे जगहों पे और भी बंद किया गया है, पर जो भी लोग बड़ी गाड़ियां पार करेगा कल से, वो हाईवे होके जाना पड़ेगा, मेन सिटी में दोस्तों घुसने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसके वजह से काफी ज्यादा जाम लगने की संभावना है। एक खबर साथियों ट्रैफिक डिपार्टमेंट तरफ से, रेमोई की तरफ से आ रही है, जो भी वहां पे डिलीवरी बॉय है दोस्तों, जो जैसे कि खाना पहुंचाना या फिर कोई और सामान पहुंचाना, जिसके वजह से हम लोग बाइक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो अब मेन बाईपास रोड होके दोस्तों उन लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी कल से। उन लोगों को साइड एरिया से ही डिलीवरी देना पड़ेगा, मेन हाईवे आपको आने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट वगैरह जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों पे फिलहाल अभी बैन लगा दिया गया डिलीवरी बॉय को। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है, बताना चाहूंगा साथियों, वहां पे स्कूल जो खोला गया है, तो उनमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, सभी गार्जियन को बताया गया ताकि वो अपने बच्चों को बताए। तो दोस्तों, गाइडलाइंस ये होगा कि अपने बच्चों को मास्क पहना के भेजें और हमेशा मास्क पहनने के लिए उनको बोले। दूसरे बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मतलब जितनी ज्यादा हो सके दूरी आप बना के रखें, बेवजह भीड़ भाड़ में ना जाएं, बच्चों को एक दूसरे के साथ खाना ना खाएं, दूसरे का खाना नहीं खाएं, एक साथ अलग अलग खाना खाएं। ये सब चीजों के बारे में दोस्तों बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की गई है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बताया गया कि आप पेरेंट्स को बताया गया अपने बच्चों को ये सब बात बताएं। अब दोस्तों, लास्ट खबर जो आ रही है वो इंडियन एम्बेसी की तरफ से आ रही है। साथियों, आज दोस्तों था 2 अक्टूबर, यानी इंडिया में दोस्तों गांधी जयंती मनाया जाता है, जो कि ऑफिशियली छुट्टी होता है पूरा भारत में। तो दोस्तों, इंडियन एम्बेसी में वहां पे गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया गया आज के दिन। कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी है, जहां पे कल्चरल प्रोग्राम, गांधी जी के बारे में कुछ बातें बताई गई, उनके सिद्धांतों पर चलने की बातें बताई गई, तो वहां पे दोस्तों एक तरह का प्रोग्राम रखा गया था। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़।